आपको तो मिलने बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम एकता, मेरा अंकुश, हम सब मिलके आज आपके लिए यहाँ पे है। एंड आई एम लकी कि मैं आप लोग के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और दिव्या मैडम ने आपका स्कूल रेकमेंड कर दिया, तो एजन से नहीं होता है, एकता के साथ भी होता है। हम सब मिलके चेंज ला सकते हैं। और आप सब लोग तो जानते हो ना इसका यूटिलिटी, आई डिड नॉट टॉक अबाउट इट। तो बस वेरी गुड। अभी फिलहाल आप लोगों को पता है नहीं पता है, मैंने सब कब भी आ गए हैं, जब फ्यूचर होगा तो विल ट्राई दैट ऑल्सो, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी है। तो लेट अस डू द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन। आज हमारे शाला में श्री विकिनाथा स्कूल में हमने हमारे एक मेहमान को बुलाया है, उनका नाम है एकता गुप्ता। एकता गुप्ता मैडम उन्होंने अपना जन्मदिन आज आपके साथ सेलिब्रेट कर लिया है, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष में सभी क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं, बिस्किट देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हम हमारी बच्चियों को ऐसी चीज़ दें कि जो उसका वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग कर। चॉकलेट आपको कोई देगा बिस्किट करें तो आप खा लो, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जिसका आप उपयोग कर सकते हो, आपको अच्छा लगे, वैसा उन्होंने दिया। तो मैडम हम शाला परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम यू एंड वेरी थैंकफुल दैट यू हैव डिसाइडेड एंड चोजन अवर स्कूल फॉर दिस योर गुड वर्क। डरते 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 ऐसे मतलब बोला मेरे को है ना, ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ ब्लीडिंग कर रहा है, क्या करो ऐसा। तब मम्मी ने मुझे समझाया था कि ऐसा एक होता है ना, डरते हमारे टाइम में क्लॉथ ही यूज़ करते थे, एक सैनिटे नापते जूते नहीं चलते, पर हमने भी वही यूज़ किया है। लेकिन जैसे हमें अवेयरनेस बढ़ी है तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, चल देख रहता है, सोखना देता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आप लोग प्रॉमिस करोगे ना कि आप लोग कपड़ा नहीं यूज़ करोगे, अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखोगे। आप सब के हम सब आपके लिए आए हैं यहाँ पे, तो फिर आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, राइट। तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अपने में से कुछ इसके बारे में या कुछ और बात करनी चाहिए, एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू से। मुझे ऐसा हुआ कि मुझे जाके मम्मी को बताया जाए मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बताया कि हाँ ये सबके साथ होता है, सिर्फ तेरे साथ नहीं, सबके साथ, मतलब सिस्टर्स मदर सबके साथ होता है। मैंने बोला ओके, फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि क्या करना चाहिए, और इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। पहले मैं बहुत मतलब कि बाहर जाओ कि नहीं, अभी इधर हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं बाहर जाओ कि नहीं, क्लासेस भी जाने का मन नहीं, कुछ करने का, बस घर पर लेके रहो। फिर मम्मी ने बोला नहीं ये अब जीवन भर साथ में चल रहा है, तो तुम्हें उसके साथ आदत पानी। थैंक यू सो मच।